हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। तो आज हमारा हिंदी क्लास होता है हर फ्राइडे को, तो आज भी हमारा हिंदी क्लास का फ्राइडे का क्लास हो रहा है, जो भगवत गीता के ऊपर हो रहा है, उसको चैप्टर वाइज और श्लोक वाइज हो रहे हैं। सो हम लोग पिछले 3 श्लोक को खत्म किया, आज चौथा श्लोक है। भगवत गीता का चौथा श्लोक के ऊपर चर्चा होगा। तो आप लोग जो लोग भाग लेना चाहते हैं, जो लोग हिंदी को समझ पाते हैं, तो वो लोग आप काम कीजिए, इन इस लाइव को थोड़ा सा तो शेयर कर दीजिए, जैसे सब लोग सुन सकते हैं और उसको भी लाभ भी उठा सकते उसके जीवन में। सो पहले हम लोग शुरू से थोड़ा मंगलाचरण कर लें और उसके बाद हम लोग का कथा शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं जन भूतले क्षयं रूप कदामयं ददाति शपदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुर श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवं च श्रीरूपं शाग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं शादयितं शवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादन सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमाते जयपथका स्वामिनीति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौड़कातधमदाय नगरग्रामताडिने। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमाते जय भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौड़वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश ताड़िने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचलम पुंगुलंगायति गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। श्रीगुरुदिनताड़िनम श्रीचैतन्य ईश्वरम नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरोत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती वैशं तत जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरोत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरि ओम तत्सत्। सर्वप्रथम जो लोग इस क्लास में भाग लिया, उन सब लोगों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे जूम में भी जो है, जो हमारे क्लास के लिए अटेंड हुआ ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, सब भक्त लोगों को हम प्रणाम करते हैं। तो ये जो कथा हम ये सोचते हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं, या हमारा अंतकरण का शुद्धिकरण के लिए मैं कर रहा हूँ। तो सब लोग हमारे कृपा कीजिए, जैसे मैं इस कथा को बोलने के साथ साथ हमारा चेतना और हमारा हृदय का भी हम शुद्धिकरण कर सके और थोड़ा धीरे धीरे हम भक्ति में और भी गहराई में पहुँच सकते और नाम में और कथा में मेरा रुचि आ जाए, इसके लिए मैं ये कथा कर रहा हूँ। तो आप लोगों को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत
बोल रहे हैं जो आप लोग आए, तो सब लोगों को पहले वंशा कल्प तरु वर्ष कृपा सिंधु भय वच पतितानं पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कौरि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। सो आज हम लोग का जो कथा होगा वो भगवद गीता का ऊपर चर्चा होगा, वो चैप्टर वाइज और श्लोक वाइज हो रही। सो भगवद गीता का पहले चैप्टर में हम लोग स्टार्ट किया, तो हम लोग 3 श्लोक हो गए। आज चौथा श्लोक के ऊपर चर्चा होगा, तो आप लोग सुन लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जैसे सब लोग सुन सके और इसका लाभ भी उठा सकते उसके जीवन में। सो नीतू माता जी पढ़िए, श्लोक पढ़िए। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ कोशिश कीजिए। अत्र सुरा महेशाशा भीमा अर्जुना समायुधि युयुधोनो विरतश्चा द्रुपदश्चा महारथा। एक्सलेंट। ये ऐश्वर्या यू चैंट वन टाइम बेटा। क्या यू चैंट दिस श्लोका? ट्राई करो। ट्राई 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 योर बेस्ट। अत्र सुरा महेशाशा भीम अर्जुन समायुधि युतो युतो धानो विराश्च दुरापदश्च महारथ। एक्सलेंट ब्रिलियंट। कैमरा थोड़ा नीचे कर दो, नहीं तो हम दिखाई नहीं दे, श्री कपाल दिख रहे हैं। माला माता जी आप एक बार उच्चारण कीजिए, ट्राई कीजिए इसको उच्चारण करने का, क्योंकि शास्त्रों में प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं जो भगवत गीता का श्लोक उच्चारण करे उसको साक्षात भगवान के साथ बात होता है, क्योंकि ये साक्षात भगवान का मुख से निकले हुआ पानी है। सो उस चीज उस शब्द को हम भी उसके साथ दोहराएं, सो हमारा भी अंतकरण का शुद्धि होगा और ठाकुर जी के साथ हमारा डायरेक्ट बात होगा। बोलिए। उत्तर सो तो प्रभु जी थोड़ा थोड़ा आता है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, बोलने से ही ना कुछ होगा कभी एक जिंदगी में। जिंदगी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अभी हिंदी क्लास प्रभु। सो आपको ये सोचना चाहिए जिंदगी में आप कभी शर्म रखोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे जीवन में। जीवन में कुछ सीखने के लिए पहले ऐसे थोड़ा मोड़ा कभी भूल बगड़ा होगा, बट इसको करने से आपको एक दिन सही पोजीशन में आ जाएंगे। बोलिए। उत्तर सौर सौरा मसो आसा भीम अर्जुन समाद्यो दे यो यो धना वेरास चे द्रौपदिस चे महारथ। वेरी गुड, एक्सलेंट, वंडरफुल वंडरफुल। आपका बेटी कहाँ है? वो प्रसाद प्रभु जी ले रहे हैं। ओ प्रसाद ले रहे गायत्री, उसको बोलना प्रसाद। हाँ प्रसाद के बाद। हाँ बढ़िया बढ़िया। हेमा बोलो, हेमा श्लोक बोलो। हेमा बोलो श्लोक बोलो। हेमा बोलो, तुम तो पढ़ चले, बोलो बोलो। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हेमा देखा ऐश्वर्य दीदी आया क्लास में, तुम नहीं बोलोगे तो ऐश्वर्य दीदी तो बहुत गुस्सा होगा। गायत्री दीदी है, ऐश्वर्य दीदी है, तुम भी बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोलो का? तुम तो हरे कृष्ण बोल दो। ये क्या बोलते है, जय राधा। वन टाइम टू चैंट बेटा। महारथ। वेरी गुड हेमा, बहुत अच्छा बोला। उच्चारण की हेमा किया ना जयराधा किया?
नहीं, ये हेमा किया, हेमा हेमा उसको लिरिक ठीक रखा ना, जो लिरिक ठीक रखते हैं उसको अच्छा कहते हैं, है ना हेमा? हाँ तुम बोलो, हाथ जोड़ के सबको बोलो, हरे हरे कृष्णा। ये हिंदी क्लास है, नो बंगा बंगला नहीं तो चाइनीज में बोलो। ठीक है माता जी, आप इसका अनुवाद पढ़िए। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर है, यथा महारथी ययुधान, विराट तथा द्रुपद। ये जो शब्द बोला है ना, ये कौन बोला? दुर्योधन जाके ये किसको बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि आप क्यों डर रहे? इस जो युद्ध हो रहा है, उन लोग जो सैन्य को ऐसी तरीके से उनको घेराव किया, तो उससे कोई डर नहीं आना चाहिए। हमारे पार्टी में भी है, हमारे साइड में भी भीम है, सॉरी भीष्मदेव है, बहुत बड़ा बड़ा सैन्य है, इसीलिए डरना नहीं चाहिए। उसके बाद तात्पर्य पढ़िए। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दृष्ट धनुम महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिससे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। इस भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना में इन दोनों से करता है। हरे कृष्ण। इसके लिए ये जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये जो भीम और अर्जुन का नाम लिया, इसका मतलब उन्होंने सिर्फ एक आदमी को नहीं देखा रहे जे हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक है दृष्टद्युम्न, उसमें भीम भी है। क्यों इधर भीम का नाम लिया ये पहले बताओ। हम बोलिए प्रभु, भीम का नाम अर्जुन से पहले इसलिए लिया क्योंकि भीम से उसको डर था, और भीम ने तीन प्रतिज्ञा ली थी, और सबसे पहली प्रतिज्ञा उसकी ये थी कि 100 कौरवों को मैं ही मारूंगा। जब पांडव जीतते थे तो भीम को स्पेशली कहते थे कि आप इसको मारिए, और जो सेकंड प्रतिज्ञा थी प्रभु वो ये थी कि जो दुर्योधन था उसकी थाई को तोड़ना, और क्योंकि उसने उस थाई के लिए द्रौपदी को बोला था कि आप इस पे आके बैठो, और तीसरी प्रतिज्ञा उसकी ये थी प्रभु कि जो दुर्योधन का जो छोटा भाई था दुशासन, उसने जब द्रौपदी के बालों को पकड़ा था और खोला था, तो उस टाइम पे उसने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जिन हाथों से द्रौपदी के बालों को इसने छुआ है ना, उस हाथ को मैं तोड़ूंगा, और उसके हार्ट को निकाल के उसने वो ब्लड पिया, और फिर उस ब्लड को द्रौपदी को दिया था, उसके केश क्योंकि वो खुले रखती थी। उस टाइम पे द्रौपदी ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं जब तक नहीं बांधूंगी जब तक इसका ब्लड आप मुझे नहीं ला के दोगे। वेरी गुड, एक्सलेंट। ये तीन प्रतिज्ञा के लिए इन्होंने पहले भीम का नाम लिया, बट मेरा एक प्रश्न है, उन्होंने जी जो नाम लिया ये क्यों लिया, उसका क्या प्रॉब्लम है? भीम से डर था प्रभु, भीम के लिए। अच्छा, उनका डर किससे आया? डर किससे आया कि सबसे ज्यादा ताकतवर भीम था प्रभु, पांडवों में अर्जुन और भीम। वेरी गुड, ये एक बहुत गहराई चीज है। अब लोग, आप जो बोला सही है, हम लोग को समझना चाहिए ये भीम दुर्योधन के अंदर जो डर है आया,
ये डर का कारण है उनका शरीर के ऊपर ज्यादा गहरा टेंशन जो देहात्मी का बुद्धि है, इसीलिए उसके हृदय में ये भीम का नाम सुनने से उसको डर आते है। बट जो आत्म तत्व के ऊपर प्रतिष्ठित है जिसका ज्ञान, उसको कभी डर नहीं आता है। दूसरा और एक है, आदमी दूसरे आदमी को डर जाते हैं जिसके अंदर संकल्प बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए हम लोग समझ सकते हैं ये दुर्योधन है एक स्वरूप से माया और भीम है एक स्वरूप से भक्ति। तो भीम शब्द कहता है जो मतलब अटल है, भीम शब्द कहता है हम लोग बोलते हैं ना भीषण 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 उन्होंने युद्ध किया, सो भीष्म मतलब भीम ये शब्द है जो कठिन चीज, इसलिए इन्होंने जिस टाइम तीन संकल्प लिया इसके लिए ये माया रूपी कौन दुर्योधन ने डर रहे हैं। हमारे जीवन में भी शिक्षा है, हम यदि कभी किसी को ये माया को डराने के लिए कभी संकल्प ले ले जे हम इतनी माला जप करेंगे ही करेंगे, इतनी ग्रंथ हम रोज दिन इतना श्लोक पढ़ेंगे, तो उस समय माया डर जाते। इसीलिए हम लोग को जीवन में एक चीज देखना चाहिए, भीम ये दूसरा सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ये क्यों ये भीम का प्रतीक्षा प्रतीक संकल्प के लिए ये दुर्योधन इतना क्यों डर रहे हैं? ये तो बता, हम तो समझ गए इसका तीन इनके पास संकल्प था, भाई ये क्यों डर गए? प्रभु उस टाइम पे जो क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा लेते थे उसको वो पूरा करते थे? यस, वो जानते इसका जो जिस रक्त से ये पैदा हुआ वो कौन है, भीम किसका अवतार है, वायुदेव का है ना, पवनदेव है वायु है ना, उससे और एक भी निकाला वो कौन है, वायु से और एक भी प्रकट हुआ कौन है, हनुमान जी। ये जानते ये कभी भी जो शपथ लेता है जो संकल्प लेता है वो कभी तोड़ते नहीं, तो इसके लिए ये हम लोग एक चीज शिक्षा ले सकते हैं, जो भक्त कभी किसी चीज के लिए कभी कभी जो संकल्प लेता है वो कभी उसको तोड़ते नहीं जितना तक उसके शरीर में प्राण है। इसीलिए दुर्योधन जानते हम जितना ही कुछ करें ये जो शपथ लिया इसके सामने हम कुछ नहीं कर सके, वो हमारे आज हड़ा देगा ही देगा, इसीलिए वो डर रहे। इसके लिए हम लोग इससे शिक्षा ले सकते गीता से, जो भक्त जीवन में कभी संकल्प लेके चलते हैं उसको माया डरते हैं, जो व्यक्ति ऐसे बारिश और गर्मी के तरफ सीजन के तरफ संकल्प लेके चलते हैं उसको कभी माया डरते नहीं। सीजन समझते हैं ना, आज बारिश है कल धूप आ जाएगा परसों ठंडी आ जाएगा, जैसे चेंज होता है। इसीलिए एक चीज हमारे जीवन में शिक्षा है भीष्म से, क्या है भीम से, कभी जिंदगी में जो आप संकल्प लिया उसको पूरा करने के लिए यदि इस जीवन का शरीर भी छोड़ना पड़े तो आपको छोड़ देना चाहिए, तब भी आप उस संकल्प से कभी बाहर नहीं आना, तो माया आपको कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, माया हर समय आपको डरेगा, इसीलिए ये एक शिक्षा है। दूसरा है ये जो क्या बोलते हैं दुर्योधन, ये जो भीम का नाम लिया इसका मतलब ये नाम लेके एक दृष्टि से देखा जाए जो उन्होंने जो द्रोणाचार्य को बोला जे आप देखिए जे इसके पक्ष में सिर्फ दृष्टद्युम्न नहीं है, ये है कि भीम भी है अर्जुन भी है, इसका नाम याद करके उन्होंने उनके अंदर जो सब कर्नर है उसको भी याद दिला दिया जे आप किंतु इस दोनों के ऊपर बहुत सारी दुर्बल हैं, इसीलिए उसको भी क्या इशारा कर दिया
जे आप किंतु इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा यह नहीं करना, प्रेम नहीं रखना। तीसरा और एक शिक्षा है, जिस टाइम उन्होंने ये दो नाम लिया, ये दो नाम के अंदर से उन्होंने द्रोणाचार्य को ये दो नाम बोलने से उन्होंने जानते, ये द्रोणाचार्य को जो ये दो नाम लिया उनके सामने, और द्रोणाचार्य जानते जी इस दोनों के ऊपर क्यों दुर्योधन का इतना शब्दों का महत्व दिया, मतलब इसके ऊपर इनका डर है। इसीलिए कभी कभी आप किसी के ऊपर डर है उसको मुख से डायरेक्ट नहीं बोलना। आप कभी इशारा करोगे तो जो आपके मन का बात जानते तो जान पाते जे क्यों आप इसको बोला, किसके लिए आप इसको बोल दिया। इसीलिए उनको जानकारी हो गए ये क्यों ये दोनों का नाम लिया। अभी दूसरा आइए, ये अर्जुन का नाम उन्होंने क्यों लिया? प्रभु हाँ, अर्जुन का नाम इसलिए लिया क्योंकि अर्जुन एक पांडवों में से एक ऐसा वीर योद्धा था जिसने लॉर्ड शिवा को भी हराया था प्रभु, जो बहुत ताकतवर थे। एक्सलेंट। ये दुर्योधन बहुत कूटनीति भी, पहली नाम लिया किसका? भीम। भीम किसके लिए डर है? दुर्योधन के लिए। अर्जुन किसके लिए डर है? द्रोणाचार्य के लिए, क्योंकि द्रोणाचार्य का मृत्यु बाण एक ही जानते है, कौन है ये? अर्जुन जानते है, क्योंकि अर्जुन को उन्होंने शिक्षा दिया जे ये द्रोणाचार्य को मारने का जो कौशल है ये एकमात्र दुर्योधन किसको सिखाया? द्रोणाचार्य ये अर्जुन को सिखाया, इसीलिए उन्होंने दोनों का नाम बोल के उनको याद करा दिया। सुनो गुरुजी, सिर्फ मेरा ही मृत्यु नहीं होगा, साथ साथ आपका भी किंतु मृत्यु होगा, क्योंकि आपका भी जमराज खड़ा हुआ है आपके सामने, कौन है? ये अर्जुन। ये है कूटनीतिविद। कूटनीति आदमी क्या करते हैं, आपको ऐसे शिक्षा देते हैं। सोचो अभी द्रोणाचार्य को बता दिया, देखो दृष्टद्युम्न में सिर्फ अकेला नहीं है, इधर भीम भी है, तो भीम बोलने से ही तो होते थे। बट वो उस समय सोचते थे जे दुर्योधन सोच रहे हैं, हो सकते द्रोणाचार्य मन में सोचा ठीक है भला हो जाए, ये मर जाए अच्छा होगा, क्योंकि ये ऐसे वैसे एक युद्ध बना लिया। बट उसके साथ साथ तो अर्जुन का भी नाम लेके याद दे दिया, आपका भी किंतु मृत्यु होगा अर्जुन के हाथ में, इसीलिए आप ध्यान देके युद्ध का सब रणकौशल को सजाओ, क्योंकि नहीं तो आपका भी मृत्यु होगा मेरा भी मृत्यु होगा। ये है कूटनीतिविद। कूटनीति आदमी क्या करता है, कभी कभी होता है ना हमारे जीवन में ऐसा होता है, कोई कोई लोग बोल रहा है अभी अभी सोचो कैसा होगा, अभी तो तुम भी मरोगे, तो उस समय क्या बोले, हम तो मरूंगा ही मरूंगा, अभी देखो तुम्हारा भी नाम कैसा हो जाते है, तुम्हारा भी नाम कैसा होता है देखो, हम तो मरने वाला ही है, बट तुम्हारा भी ऐसे में कर दिया, मैं मरने के साथ साथ तुम्हारा भी मृत्यु, क्योंकि ये सब कुछ फ्लैश हो गए, तुम मेरे साथ था ये काम करने के लिए, इसीलिए अभी सोचो तुम दोनों को रक्षा करोगे ना खुद को रक्षा करने के लिए हमारे मरोगे। ये है कूटनीति। जे कैसे कूटनीति बात करते है, जे सिर्फ खुद को बचाने के लिए वो प्रयास नहीं किया, कैसे गुरु को भी याद दिला दिया जे आपको भी किंतु मृत्यु होगा किसके हाथ में? अर्जुन के हाथ में, इसीलिए इसका नाम। दूसरा एक चीज हमारा शिक्षा है, ये भगवत गीता में भगवान ने ये उसका फ्रेंड एक गीता का जो श्रोता है उसका नाम अर्जुन क्यों रखा? भगवान ये इनका नाम अर्जुन क्यों हुआ? भगवत गीता का जो श्रोता है उसका नाम अर्जुन क्यों हुआ? माला माता जी, अर्जुन क्यों? क्योंकि भगवान जी जानते थे युद्ध करेंगे। ये लिख लीजिए,
क्यों इनका नाम, ये जो भगवत गीता का जो श्रोता है उसका नाम अर्जुन किया? अर्जुन शब्द का अर्थ है जो अर्जन करता है, एक्वायरिंग द नॉलेज। इसीलिए एक गीता का जो श्रोता है उसका नाम रखा अर्जुन, जो एक गीता का ज्ञान अर्जन करके खुद के जीवन में पालन करके दिखाया, इसीलिए उसका नाम हो गए अर्जुन। ये हमारा भी शिक्षा है, हम ये गीता का ज्ञान अर्जुन करने के पहले हमको ये समझना चाहिए हमारे अर्जुन के तरफ होना चाहिए, जो ज्ञान को अर्जन करे और खुद के जीवन में पालन भी करे और उसको प्रचार भी करे, उसको कहता है अर्जुन। इसीलिए भगवान ने इसका जो श्रोता है गीता का, इसका नाम रखा अर्जुन, जो एक ज्ञान सिर्फ सुने नहीं, इसको जीवन में पालन भी करे, इसको जीवन में उतारे भी, इसीलिए इसका नाम रखा अर्जुन। ये क्या बोलते हैं, पांच नंबर श्लोक पढ़िए। तो हम लोग इससे दो शिक्षा मिला, क्या है, आदमी जिस टाइम डर जाते उस समय उसके मुख से उसका जो वीक पॉइंट है उसको निकाल जाते, ये ध्यान रखना। किसी को जीवन में आप हराना है, किसी को जीवन में आप कुछ करना है, उसका जो दुर्बल पॉइंट वो मुख से निकलेगा ही निकलेगा, मुख में। और एक बात है, एक चीज है, अच्छा जो ये जो डर हम जो बोला, जो जो जिसके मन में कभी कुछ डर है उसको क्यों बाहर आ जाते, उसको क्यों छुपा के नहीं रख सकते कोई आदमी? नीतू माता जी बताओ, इसी के अंदर सोचो, आपके अंदर एक डर है किस चीज के लिए, आप इतना प्रयास किए उसको हिडन रखने के लिए, बट हाउ इज इट पॉसिबल कम टू द लाइमलाइट, हाउ? प्रभु हमारे जो दिल में होता है वो हमारे फेस पे नजर आ जाता है। एक्सलेंट लीलाश्वरी माँ, ऐसा क्यों होता है? हमारे आप एक गलत काम कर लिया, आपके अंदर वो गलत काम का छुपा हुआ है, बट इसको क्यों बाहर आ जाते हैं, क्यों? हम तो चाह रहे हैं इसको छुपा के रखने के लिए, क्यों बाहर आ जाते? हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। प्रणाम। क्योंकि पाप को हम लोग कभी ढक नहीं सकते, वो निकाल कर आता है। वेरी गुड माला माता जी, क्यों आप पाप जो अपराध किया बा कुछ गलत काम किया उसको अंदर में क्यों नहीं छुपा सकते, उसको निकल कैसे जाते? सोचो जैसे माता जी बोला, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, हमारा फेस में आ जाता है, वचन में आ जाता है, हाव भाव में आ जाते, क्यों आ रहे? पेट में रहती नहीं है वो मेरे यस एक चीज समझना चाहिए, आप किसी चीज कहाँ पर छुपा के रखोगे, कहाँ पर छुपा के रखो, मन में है ना लीलाश्वरी माँ, कहाँ पर छुपा के रखो, मन में। मन किसका दास है? अभी समझ में आया प्रभु। मन किसका नहीं, मन किसका दास है? मन बुद्धि का दास है। बुद्धि किसका दास है? आत्मा का है, आत्मा परमा है। इसीलिए आत्मा क्या है, शुद्ध है ना, और हाँ। पाप क्या है, अशुद्ध है, इसीलिए शुद्ध अशुद्ध एक जगह पे रह सकते हैं? नहीं। इसीलिए आप जितना है उसको छुपाना चाहते है वो कभी भी आपको छुपा के नहीं रख सकते, उसको निकल जाएगा ही, क्योंकि उसका दो अलग चीज होता है, इसीलिए वो दोनों चीज एक जगह पे नहीं रह सकते, क्यों? आत्मा है शुद्ध है, और पाप है दुर्चिंता है अशुद्ध है, इसीलिए शुद्ध और अशुद्ध एक जगह पे नहीं रह सकते, इसीलिए कोई भी उपाय से उसको निकलेगा। इससे एक सिद्धांत तो मिलता है, क्या, हम जितना ही गलत काम करें कभी अंदर में नहीं रह सकते, कभी अंदर में। इसलिए शास्त्र में कहता है
सत्य कैसा होता है, सूर्य के तरफ होता है, आप उसको जितना ही ढकने का प्रयास करो मेघ के द्वारा, थोड़ी बहुत टाइम आप उसको ढक सकते हैं, बट आज हो और 10 दिन बाद है, उसको निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि मेघ हर समय आकाश में नहीं, आसमान में नहीं रहता है, उसको निकल जाएगा ही जाएगा। इसीलिए जीवन में एक चीज हमारा ध्यान देना चाहिए, जीवन में कभी पाप करेंगे तो उसको साथ साथ मिटा देना चाहिए। आप मत सोचो जे मैं इसको छुपा के रखूं, मैं इसको छुपा, पाप को दूसरा और एक कारण है, आप यदि पाप को अंदर में रखोगे तो एक पाप के लिए आपको कितना पाप करना पड़ेगा, लाखों करोड़ों पाप करना पड़ेगा, तो आपका पूरा ब्लड नष्ट हो जाएगा, आपका पूरा चेतना नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी आपके अंदर जो चीज है उसको, दूसरा एक चीज है भय को, डर को आप अंदर रखोगे तो आपको क्या कर देगा, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको नष्ट कर देगा। इसीलिए फियर शब्द का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फियर ऐश्वर्या? FEAR फियर। सो ए राइट इट, एफ स्टैंड मींस, एफ स्टैंड मींस फ्रस्ट्रेशन। जिस टाइम आपके अंदर भय रहता है वो क्या कर देता है, आपको फ्रस्ट्रेशन कर देता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है आप। उसके बाद ई स्टैंड मींस, ई स्टैंड मींस एनवियस, एनवियस आपके अंदर जेलेसी लेके आते हैं, एनवियस हिंसा लेके आते हैं, क्योंकि आप जिसके लिए डर है ना, आप उस समय हर समय उस व्यक्ति को क्या सोचता है, इस व्यक्ति क्यों अच्छा हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्यों वो हो रहा है। इसीलिए ये अच्छा चीज नहीं है, ये क्यों है, क्यों है, ये ध्यान देना। इसके बाद आ जाओ ए, ए स्टैंड मींस, ए स्टैंड मींस फियर क्या करते हैं, जो ज्यादा फियर करते हैं ना, ही बिकम एडिक्टेड। जिस टाइम आदमी के अंदर ज्यादा डर होता है ना, उस समय क्या करता है, उसको भूलने के लिए क्या करता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है। इसीलिए फियर आदमी को क्या कर देता है, एडिक्टेड हो जाता है, क्योंकि उसको भूल के रहने, भूलने के लिए वो क्या करता है, सब इंटॉक्सिकेशन लेता है, इसका मतलब एडिक्टेड कर देता है उसको। और आर मतलब, आर स्टैंड मींस रेस्टलेस, यस द रेस्टलेस ऑफ द माइंड, उसका मन विचलित कर देता है, वो कभी स्थिर नहीं रहता, उसको डर क्या होगा, क्या होगा। देखो दुर्योधन इसका शून्य सज्जा देखा तो देख के वो क्या हुआ, देखो ये पंच पांडव भी इसका शून्य सज्जा देखा ना, बट उन्होंने इसके पास उसके बाद दौड़ के गए ना, बट इसके अंदर डर है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, कभी द्रोणाचार्य के पास भाग रहे हैं, कभी भीष्मदेव के पास भाग रहे हैं, कभी इसके पास भाग रहे हैं, कभी धृष्टद्युम्न के पास भाग रहे हैं। क्यों? He cannot to centralize his mind. इसीलिए समझना चाहिए, जिसके अंदर कभी गलत काम करेगा और उसके लिए कभी डर को पैदा देगा अंदर में, तो उसके जीवन में चार चीज होगा। So, Aishwarya, again to repeat that fourth sentence. Frustration, envious. Now, like this, F stand means the frustration. F stands for frustration, E stands for envious, A stands for addicted, R stands for restless. So what you are learning from your from this in the world, have you been fair and for anything? Yes? Yes. But you have to be fair for what? If your mother will tell something good things. But you have to be understand another thing. इसका मतलब ये नहीं हमारे अंदर से फियर को दूर कर देना,
भय को दूर करके देना। अच्छा फियर अच्छा है, जैसे सोचो आपका मम्मी बोला बेटा स्कूल में जाओ तो कोई गंदा बच्चा के साथ मिलो मत, कभी कोई गंदा फ्रेंड बनाओ मत, तुम आओगे तो तुम्हारे किंतु घर में घुस नहीं दूंगा, ये फियर अच्छा है, दैट विल मेक यू क्लेंस। बट आप कभी किसी के साथ कोई गलत काम किया बात छुपा के कुछ किया क्या, सोचो आपका मामी ये बता दिया बट आप छुप छुप के कुछ गंदा फ्रेंड बना लिया और उसके साथ मामी के सामने दिखाते आई एम ओके आई हैव नो एनी बैड फ्रेंड्स एंड एनीबॉडी, बट आप उसके साथ जाके गेम्स देखता है नहीं तो दूसरा कुछ मोबाइल में देखता है, ये करता है वो करता है, ये आपके अंदर क्या करेगा, ए चार चीज करेगा, क्या करते ए मामी जान लिया, अरे मामी जान लिया मैं मोबाइल में उसके साथ क्या किया क्या बोला मामी जान लिया, दूसरा अगर क्या एनबीएस होता है, अरे ए बी ए क्या बोलता है जयराधिका मेरे क्लास में पढ़ता है, अब मामी को बता देगा कि उसको तो देखता है हर समय आके आंटी आंटी बोलता है, या अब आंटी आके हम जिस टाइम नहीं रहते ना अब बता दे, जानते हो नीतू माता जी ऐश्वर्या क्या करते है आपके सामने तो ऐसा कर दे, वो जाके जानते हो सब गंदा लड़की के साथ मिलता है, इस समय आप उसको क्या करते रहोगे एनबीएस हो जाओगे, ए स्टैंड मीन्स आप एडिक्टेड हो, उसको भूलने के लिए आप क्या करोगे ज्यादा सो जाओगे ज्यादा नींद आएगी, क्यों आप उसको मम्मी को बोल रहे मम्मी मेरा बहुत दर्द हो रहा है मेरा पेन हो रहा है मैं सोना चाहती हूँ मैं, क्योंकि यू आर सो एडिक्टेड ना, उसके लिए इतना टेंशन है, उस समय आपका दिमाग दुखता है आपका दिमाग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और माइंड उस समय क्या हो जाते हैं रेस्टलेस रहता है, आप स्कूल में हैं बट आपका मन में डर है, अरे गायत्री आज हमारे घर में आने को आने वाला बात किया 11 बजे अभी ना गायत्री जाके मामी को कुछ बता दे, अरे 12 बजे अबर ये जयराधा भी हमारे घर में आएगा अबर कुछ ना मम्मी को बता दे, सो योर माइंड इज रेस्टलेस, सो इसलिए जीवन में शिक्षा है कभी भी गलत काम नहीं करना, जो व्यक्ति जीवन में गलत काम करेगा उसको ये चार चीज होगा ही होगा, क्या होगा जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, जीवन में एनबीएस आ जाएगा, जीवन में एडिक्शन आ जाएगा और जीवन रेस्टलेस हो जाएगा, इसलिए जीवन में यदि डर से बचना चाहिए तो हम क्या करना सही रास्ता पे ऊपर चलना, हमारा वरिष्ठ आदमी लोग जैसे बोले शास्त्र में जैसे बोले माता पिता जैसे बोले ऐसे हम लोग जीवन बिताएं तो हमारा जीवन में कभी डर नहीं होगा, और एक चीज है अल्टीमेटली ये चार चीज आदमी को अल्टीमेटली क्या कर देता है नीतू माता जी, ये जो फियर का जो हम ये बनाया मीनिंग बनाए ये चार चीज अल्टीमेटली आदमी को क्या कर देता है खत्म कर देता है प्रभु पूरी तरीके नो एक आदमी का जो स्थिति जो चेतना उसको वीक कर देता है, तो जो आदमी वीक हो जाता है उसको कभी मन ठाकुर जी में लगेगा नहीं, भगवान में लगेगा मन लगेगा, ऐश्वर्या तुम्हारे मन के अंदर यदि ये चार चीज चलते रहे कभी जॉब में तुम्हारा मन बैठेगा तुम्हारा पढ़ाई में कभी मन बैठेगा नो यू आर ऑलवेज इन टेंशन, इसीलिए हम लोग शिक्षा दिया भगवत गीता देखो अर्जुन दुर्योधन सॉरी युधिष्ठिर चारों भाई पांचों भाई खड़ा है उसका कुछ टेंशन नहीं, इसीलिए युद्ध किया बहुत अच्छी तरह से, बट दुर्योधन फियर के भय से उसके अंदर जो रणकौशल है वो भी ये सब भूल गए, हमारा प्रश्न है दुर्योधन की रणकौशल जानते नहीं बताओ, दुर्योधन रणकौशल जानते नहीं लीलाश्वरी माँ तो क्यों गए दुर्योधन ये दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास, इसका मतलब उसको फियर उसको क्या किया उसको डर क्या किया पूरा उसको जो वो एक कर दिया, यस उसके अंदर जो गुड क्वालिटीज हैं जो गुड चिंता है उसको पूरी तरह से विनष्ट कर दिया, इसीलिए जीवन में जो व्यक्ति सही रास्ते में नहीं चलते है उसके जीवन में अच्छा बुद्धि कभी नहीं आते, वो जानते
इसीलिए बंगाल में एक कहावत है, चोर पलाले बुद्धि बाड़े, समझ गए? जो चोर आदमी है ना, सोचो आपके घर में चोर आया तो उसको चोरी करके चले गए, उस समय आपका याद आए, अरे मैं यदि इधर का दर्जा बंद रखते थे तो इससे इसके वार से नहीं आ सकते थे। तो आदमी लोग क्या बोलता है, इसको तुमको पहले क्यों नहीं आया दिमाग में? क्योंकि उसका डर था, वो चोर का टेंशन में उसका डर से भूल ही गए जो पीछे का द्वार बंद करना चाहिए था, समझ गए? इसीलिए इस श्लोक से शिक्षा दिया, जो व्यक्ति डर में रहता है उसके जीवन में कभी अच्छा चीज प्रकाशित नहीं होता है उसके दिल में, वो कभी जीवन में जीत नहीं सकते। इसीलिए हम लोग को हर समय क्या चाहिए, बुरा चीज से, खराब जो पथ है, जो सही रास्ता नहीं है, उससे कभी चलना नहीं। सामूहिक दिख से देखा जाए जो आप बहुत अच्छा किया, बहुत भला, बट इसका डेस्टिनेशन नेवर बिकम वेरी गुड, इसका कभी अच्छा नहीं होगा। समझ गए जय राधा? सो व्हाट यू आर लर्निंग जय राधा, समझ गए बेटा? तो कभी भी कुछ हाइड नहीं करना मम्मी से और पापा से, कभी हाइड करके चलोगे सो आपके अंदर जो गुड क्वालिटीज है इट विल टोटली बिकम डिस्ट्रॉयड। इसीलिए कभी भी आपका मन में कुछ आए, इसका बात है आपके मन में कुछ बुरा चीज आए, बट वी हैव टू बी शेयर विद द सीनियर। हमारे मन में आ सकते हैं क्योंकि हम लोग के जड़ जगत में हम लोग मन में कुछ आ सकते, कुछ दुर्बलता आ सकते, कुछ अफेक्शन आ जाते, कोई भी चीज आ सकते, बट उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, जो वरिष्ठ आदमी है उसके साथ शेयर करना चाहिए। समझ गए ऐश्वर्या? यस। इसीलिए मन में कुछ पैशनेट कुछ आ जाए बा कुछ इमोशंस आ जाए बा कुछ भी आ जाए, यू हैव टू शेयर विथ योर पेरेंट्स। गायत्री, वेयर इज गायत्री? गायत्री बाहर है प्रभु जी। वो क्या कर रहे है, उसको बुलाओ। लेकर आती हूँ। यस, उसको लेके आएंगे। पांच नंबर श्लोक पढ़िए, उसको बोलिए मैं बुला रहा हूँ। हाँ जी प्रभु। यस। दृष्ट केतु च कीताना केशिराज च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च सेव्यश्च नरा पुंगवः। एक्सलेंट। उसके बाद अनुवाद भेजिए। जी प्रभु। आगे बेटा, व्हाट इज दिस गायत्री, आप मंत्र पढ़ने के लिए बाहर गए हैं ना? गायत्री कर ली कि आप कोई पेड़ के नीचे चले गए? अरे हमारे साथ लो गायत्री, ऐसी हो जाएगा। ये गीता का बानी है, गायत्री का बात। बाहर क्यों चल रहे चले गए, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहे? मे बी आई कैंट स्पीक लाइक यू द इंग्लिश, दैट्स व्हाई यू आर वेंट अवे। सो व्हाई यू वेंट आउटसाइड? जिस टाइम क्लास होना चाहिए उसके साथ बैठना चाहिए, ठीक है? इसमें तुम्हारा जीवन में अच्छा होगा, ठीक है बेटा? सो लिसन, सुनो और लिखो। कहा है तुम्हारा पेन पेपर, कहा है? मैं लास्ट में प्रश्न करूंगा, क्या तुम लिखा क्या नहीं लिखा। देखो ऐश्वर्य दीदी को कितना सारी चीज लिख लिया, पढ़िए माँ। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। इनके साथ ही दृष्ट केतु चेकीताना काशीराज पुरोजित कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। उसके बाद तात्पर्य पढ़िए प्रभु। हाँ, इसके हिंदी में तो नहीं है इसका पर्पट प्रभु, इसके तात्पर्य पापड़ नहीं है। ओके, देन रीड इट सेवन सिक्स प्रभु, एम आई राइट? ओह सिक्स, यस सिक्स। सिक्स का श्लोक पढूं प्रभु जी? हाँ श्लोक पढ़िए। हम कुछ किताब ने के नहीं, हम सिर्फ आपसे ऑडियो सुन के मैं बोल रहा हूँ। जी 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 प्रभु।
बढ़िया युधा मान्योश्व विक्रांत प्रभु ये लीला श्री मां पढ़िए हरे कृष्ण प्रभु योधा मनोहा च विक्रांत उत्तम च वीरजवान सुभद्रा द्रौपदेया च सर्वे एव महारथा। इसका अनुवाद आप पढ़िए नीतू माता जी पढ़िए। इसका अनुवाद है प्रभु प्राकर्मी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम भोज सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। उसका तात्पर्य जी प्रभु पढ़ पढ़िए। शिला प्रभुपाद जी की जय। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना। ये हंसने का चीज बात नहीं। देखो ये जो बात बोल रहे है ये हम लोग सुन के हंस रहे है ना। ये बंगाल में एक कहावत कहते है माँ के पास आके उसको मावसी के बारे में बता रहे है। जानते हो मावसी ऐसा है तो मम्मी क्या बोल चुप रहा। वो मावसी के बारे में बाहर है वो मेरा बहन है तू मेरे से उसको ज्यादा जानते है ना तो उसके बारे में मेरे को सुना रहे तेरा मावसी कैसा है उसको उसका जन्म जिससे हुआ मेरा भी जन्म उससे हो तू उसके बारे में क्या सुना रहे। इसीलिए ये जो बात बोल रहे ना ये मावसी की माँ के पास मावसी के बारे में बोल रहे ना इसीलिए जो शब्द बोला ये आपको मैं सुना रहा है कैसे कैसे हुआ तो उसके समय द्रोणाचार्य ये बोल सकते थे ना धत चुप रहो मैं की देखना ही नहीं कैसे उसको सजाया क्या वो क्या सुना रहे मेरे को। इसका मतलब ये इनको नहीं सुना रहे ये इनका जो डर है उसको प्रकाश कर रहे हैं। जिस समय इससे लिख लेना चाहिए कभी किसी जानकारी के बारे में किसी जानकारी व्यक्ति के बारे में जिस टाइम एक लोग दूसरी आदमी के जो उसके बारे में जानते तब भी उसके बारे में सुनाते इसका मतलब उसका कोई वीक पॉइंट उसके साथ है। ये शब्द लिख लेना चाहिए। सोचो आप किसी को जानते सोचो माला माता जी के बारे में नीलाक्षरी माता भी जी माता जी अच्छी तरह से जानते आपसे ज्यादा जानते आप बाद में ऑस्ट्रेलिया गए माला माता जी के बारे में नीलाक्षरी माता जी ज्यादा जानते बट आप एक दिन जाके बोले अरे नीलाक्षरी सुन जान दे ये जो माला माता जी है ना ये कैसा है ये मंगला आरती नहीं करते और जॉब भी करते है कोई ऐसे नहीं इधर उधर घूम घूम के जप करते है क्या करते हैं तो उसके समय यदि लीलाश्वरी माता जी बुद्धिमान हो जाते हो डायरेक्ट क्या प्रश्न अच्छा बोलो तो तुम उसके बारे में इतना जेलस क्यों तो आप थोड़ा सा थौखा हो जाओगे तुम क्यों बोला मैं उसके ऊपर जेलस है बोले अरे उसको तो मैं अच्छी तरह से जानते वो क्या माला जप करते क्या मंगल आरती करते वो तुम तो आज अभी आए ऑस्ट्रेलिया में 2-4 साल हुआ मैं तो उसको पिछले 15 साल से जानते इसका मतलब हो सकता है आपके अंदर कुछ उसके अंदर कुछ अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है हॉस्पस है इसीलिए आप उसका सब गलती चीज निकाल रहे हैं। क्या है क्या बताओ ना नीतू माता जी क्या हुआ उसके साथ उस समय बोलोगे एक्चुअली तुम बुद्धिमान है सचमुच बोल रहे हैं जानते हो उसका वो हर समय उसका जो बेटी है ना जो गायत्री उसके साथ वो हर समय मेरे बेटी का तुलना कर ये मेरे पसंद नहीं होता है पसंद है उस समय आपका असली चीज निकल रहे असली चीज निकल रहे कोई किसी के बारे में बुरा चीज बोले ये ध्यान देना चाहिए इसका मतलब उसका कुछ उसके साथ कोई गलत किया उसके साथ इसीलिए उसको वो सहन नहीं कर पा रहे इसीलिए ये लाइन से शिक्षा है उन्होंने जिस टाइम दुर्योधन क्या किया जाके द्रोणाचार्य को बता रहे आपको मैं दिखा रहा हूं कौन किधर सैन्य को सजावट किया इसका मतलब द्रोणाचार्य समझ गए क्योंकि वो बुद्धिमान है वो ऐसा कोई व्यक्ति के पास नहीं बोल रहा है। इसका दूसरा एक चीज है मेरा एक प्रश्न है ये बात संजय ने
ये बात ये संजय ने धृतराष्ट्र को क्यों सुना रहे हैं गायत्री? मेडिटेशन करके बताओ, तुम तो गायत्री है, क्यों बता रहे हैं? तुम कितना क्यूट है, तुम हमारे छोर के इधर से चले गए कहा मेडिटेशन करने के लिए, हमारे साथ मेडिटेशन करो, हमारे भी सिखाओ, हम तो मेडिटेशन नहीं होता है, हम तो शरीर खाते पीते और बंदर के साथ नाचा नाची करते इधर, तो मेरे को कुछ थोड़ा मोड़ा मेडिटेशन सिखाओ। बोलो क्यों बोल रहे हैं इन्होंने? धृतराष्ट्र को क्यों सुना रहे? प्रभु संजय ने धृतराष्ट्र को इसलिए बता रहा है क्योंकि धृतराष्ट्र भी तो उनके पिता होने के कारण उनके अंदर भी तो फियर है प्रभु। वेरी गुड। ये देखो कभी कभी होता है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है ना, किसी को डायरेक्ट डरा नहीं देता है, किसी को कभी भी किसी के बच्चा के बारे में डायरेक्ट गलत चीज नहीं बताना, उसके मम्मी पापा के मन में लग जाता है, इसीलिए वो यदि डायरेक्ट बोल दे, देखो देखो आपका क्या कैसे तरीके से एक बेटा जन्म दिया, उसको अगर आप बोल रहे बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं शून्य है, बहुत बड़ा योद्धा है, वो देखा किसी के डर के लिए वो जाके द्रोणाचार्य के पास ये बता रहे, क्यों द्रोणाचार्य आंख में नहीं देख रहे? ये सीधा सीधा हम लोग बात बोलता है ना, हम लोग भारतीय लोग तो ऐसे बोल देता है। संजय ने बहुत बुद्धिमान, इसीलिए वो क्या किया, इंगित से उसको सुना रहे उसको पिताजी को, देखो आपका बेटा डर गए, इसीलिए वो क्या किया किसके पास, द्रोणाचार्य के पास गए। इसीलिए जीवन में शिक्षा है, कभी कोई माता पिता को उसके बेटा बेटी के बारे में गलत सुनाना है तो डायरेक्ट नहीं बोलना। क्या होता है, एक तो वो माता पिता डर जाएगा, दूसरा है आपके साथ जो रिश्ता है वो कट जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा एंगल से बोलना, थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोलना, जैसे वो समझे और आपका भी काम हो जाए। समझ गए ना? आप सोचो नीलाश्वरी माता जी को जाके यदि डायरेक्ट बता, अरे नीलाश्वरी जानते हो काल देखा दो लड़का के साथ ये हमारा जो जयराधा रास्ता में खा रहा होगा आइसक्रीम खा रहे, नीलाश्वरी और उसके पास नीतू माता जी था, दूसरा वह माता है, उस समय लीलाश्वरी माता जी सोचे जे आपको ऐसा कोई राइफल लेके आके बा कोई गान लेके आके शूट कर देगा कि ना? आज जीवन में कभी वो आपको फोन करेगा इस जिंदगी में? आपको रथ यात्रा में फोन नहीं करेगा, इनवाइट नहीं करेगा, क्योंकि आप ब्लास्ट कर दिया सबके सामने ब्लास्ट कर दिया सब। उसके बाद सोचो आप समझो, उसके पास आके बोलो सॉरी लीलाश्वरी हम भूल किया, एक्चुअली हम समझ गए बाद में, ये बात तुमको अलग से बोलना चाहिए था सबके अंदर, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। और दूसरा है मैम आप ये बोल रहे हैं, ऐसे बोलो लीलाश्वरी माता जी कैसा है, क्या है, जयराधा कहाँ है, आप तो जयराधा के नहीं देख रहे हैं। बोले जयराधा स्कूल में गए, हाँ आजकल स्कूल में जाते, समझ गए हमारा बेटी भी जाते है आजकल, पता नहीं पेपर में पढ़ रहे हैं टीवी में भी देख रहे हैं आजकल बच्चा गंदा है कहाँ पर क्या करते है, सब लड़का लड़की आजकल का जमाना है कहाँ पर क्या आइसक्रीम खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, एटू ध्यान रखना मेरे बच्चों के ऊपर भी ध्यान रख रहे हैं ऐश्वर्या कहाँ पर क्या, क्योंकि मैं आजकल पेपर पर के तो मैं डर जाता है लीलाश्वरी, एक तो हम लोग को दोनों बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उस समय लीलाश्वरी बोल ठीक बोला हम लोग भी एक्चुअली अभी टीनेज एज है ना, क्या कहाँ पर कर रहे हैं, एक्चुअली मैं तो इतना पूजा वगैरह सेवा में व्यस्त रहता, मैं तो कभी पेपर पढ़ने का फुर्सत नहीं मिलता, आप तो सुनाया ठीक है, मैं उसको पापा को भी बताऊंगा ये ठीक से कभी जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखे कहाँ पर क्या करें। देखो वो आपका मित्र बन गए, पहले जो मित्रता था उससे और भी मित्र बन गए, क्यों आप किंतु सही बता दिया बात, इनडायरेक्टली बता दिया, इसको कहते हैं बुद्धि। समझ गए?
इसीलिए किसी का दोष त्रुटि कभी किसी को डायरेक्ट नहीं बोलना, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसको क्या करके क्या करना चाहिए, लिक्विड करके उसको पिलाना चाहिए, जैसे वो तुरंत डाइजेस्ट करना। सो गायत्री, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस? If you saw some mistakes from the Aishwarya or the Jairadha, you will tell to the Leelashwari Mataji auntie directly? No. You will tell to whom? Your mother. Your mother will processing way tell to the auntie. Okay? You don't say directly, because then it will be a habit to you to finding the faults to the others. If you see some faults to someone, you will tell to your senior personalities. I saw mummy today, these two didis are doing like this. Then your mother knew that how to be dialysis and to put the her mother. Samaj gaye Aishwarya? Samaj gaye Jairadha? So, aise bolna chahiye. Isse kya hoga? आपका प्रेम भी रहेगा और संपर्क भी टूटेगा नहीं। बट आप सीधा जाकर बताओगे, लीलाश्वरी माँ बोलेगा, जयराधा तू बोले ऐसे किया, कौन बोला? ऐश्वर्या के बोला मेरे को, तू रास्ता में खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा है तू किसी के साथ? वो काल जाके तुम्हारे कलर को ऐसे पकड़े, तू बोले मेरे मम्मी को बताया ऐसे, तेरे को आज ही मैं मार दूंगा। कौन बोला? तेरे पिताजी का मैं खाना खाते हो, तेरे पिताजी की मेरे को पैसा देता है, तू जाके मेरे मम्मी को क्यों बोला? तो रैगिंग में फेंक देगा आपको, क्योंकि वो सीनियर है ना। तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में रैगिंग नहीं, इंडिया में रैगिंग है। जो कभी सीनियर के ऊपर आप कुछ करोगे तो जूनियर, जूनियर को सीनियर के ऊपर करेगा तो रैगिंग देकर उसको कॉलेज से स्कूल से बाहर निकाल देता है। इसीलिए हम लोग इससे और एक भी शिक्षा आप तीनों के लिए, जो सीनियर, ये तो बच्चों को बता दिया, सीनियर के लिए, आप लीलाश्वरी माता जी के अंदर आप कुछ दोष देखा, उसको सीधा नहीं बोलना। आपके साथ नीताई प्रभु के साथ बहुत सारी मतलब अच्छा संपर्क है, भाई के तरह। आप प्रभु जी को बताओ, प्रभु जी आजकल जो हो रहा है, एक्चुअली तो ध्यान देना चाहिए हम लोग को भी, हमारे जो माता जी जाते थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आजकल का जमाना है, माता जी नया आए, सबको समझे नहीं कैसे तरीके से, तो आप थोड़ा मोड़ा, क्योंकि आप ज्यादा दिन इधर रह रहे हैं, तो उस समय ठीक तरीके से नीताई प्रभु लीलाश्वरी माता जी को समझो। इसीलिए हम लोगों को कभी ये शिक्षा है, किसी का दोष कभी डायरेक्ट नहीं बोलना। किसको दोष डायरेक्ट बोलना? आपका जो घर का बेटा बेटी है उसको आप डायरेक्ट बोलना। बट आपके जो थोड़ा सा आपसे अलग है, आपसे दूर का संपर्क है, कभी उसको सीधा कुछ नहीं बोलना। उसका उसके लिए क्या हो जाते हैं, आपका संपर्क छिन्न हो जाता है, और उसके द्वारा आप कभी उसको अच्छा नहीं कर पाओगे। किसी का दोष को सुधारना है तो उसको क्या करना, जैसे तरीके से उसको ऐसे तरीके से उसके अंदर इंजेक्शन पुश करना, वो क्या हो जाए, उसका भी जो दोष उससे निकल जाए और आपका संपर्क भी अटूट रहे। समझ गए क्या? आर्यन आ गए, आर्यमन समझ गए? आर्यमन सुन रहे बेटा? प्रभु, आर्यमन शुरू से बैठा है तो ऐश्वर्य बोल कि हाँ। प्रभु बोल दूं कि भाई भी बैठा हुआ। ओ भाई भी बैठा, इसका मतलब इसके द्वारा एक चीज निकल गए क्या? लग रहा है आर्यमन कभी कभी मम्मी के पास ऐश्वर्या के बारे में कभी कंप्लेन देता है, इसीलिए ऐश्वर्या सुना रहे हैं, ये डायरेक्ट कंप्लेन नहीं, थोड़ा मोड़ा सोच के बताना है ना, है हैं ऐश्वर्या, यही इंडिकेट करना चाहते हैं, है कि ना, है? समझ गए आर्यमन बेटा ये कैसे बात करना चाहिए। इसीलिए ये भी शिक्षा है। सोचो आपका बहन कुछ ये किया, आप उसके सामने नहीं बोलना, आप मम्मी को अलग से बोलना, जिस टाइम मम्मी आपके साथ है, मम्मी ये देखो ये तो ऐसे करता है, आप थोड़ा सा, क्योंकि मैं सीधा इसको बता दें ऐश्वर्य को तो वो तो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा, तो आप इतना ध्यान रखना, ये इसके अंदर किंतु ये एक प्रॉब्लम में देखा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना।
तो उस समय मम्मी ठीक तरीके से जानते कैसे उसको ठीक से पकाना है उसको चीज, इसके लिए ये भी शिक्षा है। अब ऐश्वर्य भी जान लेना, भैया के अंदर कुछ गलत हो गए, बाप को कुछ बहुत बता दिया, आप सीधा उसको कुछ नहीं बोलना, मम्मी के कान में देना, देखो मम्मी मैं ऐसे नहीं किया, भैया ऐसे किया, तुम उसको समझा देना, क्योंकि मैं उसको बोलने से तो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा, तो मम्मी ठीक तरीके से बाद में उसको साइज कर देगा, नहीं ये तुमको आ रही है, नहीं ये ठीक नहीं, तुम बड़ा भाई है ना तो छोटा है थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, बट तुम ऐसे नहीं करो, उसको समझाओ बेटा तुम तो बड़ा भाई है ना, तो इससे शिक्षा लेना चाहिए, समझ गए। तो देखो गीता कितना चीज दे रहा है, कितना शिक्षा दे रहा है। हम लोग कभी ऐसे सोचा गायत्री, सोचा कभी? No, Prabhu ji. So what are you learning from this sentence? So don't directly speak to someone who's doing something bad. Like yeah. Tell someone, like your mom, so that yeah. they don't get angry at you. Yes, and your relationship will be very good. But if you are telling something directly and hit something directly, then it will be make a distance. That's why if you see something to someone the bad, then you will tell to your senior authorities like your mommy or your papa. They can know that how to be imply these things and to correct someone. So understand? Yes. So you should not to take the judgment. Judgment will be or rectification will take the responsibility of the parents. Understand? Yes. Even your school, you see something, some friends are doing something bad, to sumai kya karna chahiye? You should not to go and hit. You will tell to your teacher. Because teacher knew that how to be to just to rectify or correcting to that person. Get my point? Yes, very well. Yes. So if you go to the outside and sit under a banyan tree, you can meditate these things? No. That's why you have to hear the Sundanitana Prabhu's class. Then it will be the best meditation, the best Gayatri. Okay? Now come to the point. Next. Prabhu, usko dobara padhu incomplete? Nahin, nahin. Uske baad. Next line. Na, next usko dobara padhiye, hai. Dobara padhiye. Wo half mein reh gaya tha na, Prabhu. Haan. Isiliye abar pehle sentence ka shuru se padhiye. Ji, Prabhu ji. किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने के विशेष रूप से निपुण है। इसका मतलब वो खुद का जो डर है उसको प्रकाश कर रहे हैं, खुद का जो डर है ये उनको पास प्रकाश कर रहे हैं। उसके बाद श्लोक है प्रभु नंबर सेवन। सो हम लोग ये समझ गए तीन श्लोक में। सो ये तीन श्लोक के ऊपर आपका कोई प्रश्न है? Anybody have some doubt or some clarification or any question? माला माता जी, आपका कोई प्रश्न है? सोचो आपका व्यक्तिगत जीवन में बा ये जो श्लोक सुन के आपके कोई डाउट बा आप कैसे किस चीज को हैंडल करोगे भी पूछ सकते हैं। एनीथिंग? इसमें बहुत हाँ बोली हाँ इसमें 6 श्लोक में बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। क्या सीखा आप इसके द्वारा? आपका क्या आपका ये दो कमेंट्री दो, आप क्या सीखा इससे? व्हाट इज योर कमेंट्स इसमें? जैसे पहले श्लोक में आपने पहले कहा था उसमें दिल नहीं दुखाना चाहिए, बहुत कुछ उसमें मिला। और आज भी जैसे कुछ डायरेक्ट जैसे कहना नहीं चाहिए किसी को, जो भी बात हो तो जैसे पहले बात करनी चाहिए और इस तरीके से करनी चाहिए जैसे उनका मन ना दुखे। यस, क्यों ना दुखे? क्यों ना किसी को डायरेक्ट बोल के दुखित मत करो? क्यों? उसके अंदर कौन बैठा है? भगवान है। इसीलिए कभी किसी को डायरेक्ट हीट करोगे तो हीट डायरेक्ट जाके किसके पास लगता है? भगवान। तो भगवान जिस टाइम किसी के हीट से दुखित हो जाता है तो हमारा कभी अच्छा होगा नहीं। इसीलिए सोचना चाहिए, एक शत्रु भी
एक एनिमी भी हमारे कुछ करे तो उसको ऐसी तरीके से उसको बोलना चाहिए जो उसके मन में कोई कष्ट ना मिले। यही ये भक्त और अभक्त के अंदर पार्थक्य है। अभक्त सीधा सीधा बोल देता है और भक्त थोड़ा इनडायरेक्टली बोलता है, वो भी बोलता है बट वो रेक्टिफिकेशन के सोच के बोलता है और ये क्या करता है, रेक्टिफिकेशन नहीं, ये चाहते एक्शन। तो इसके बारे में दो शब्द लिखना। जो भक्त होता है वो हर समय रेक्टिफिकेशन चाहते है दूसरी का, और जो अभक्त है वो हर समय एक्शन चाहते है। सो फर्क है एक्शन और रिएक्शन, समझ गए? तो वो चाहते है रेक्टिफिकेशन और ये चाहते है एक्शन, तुम उसको मारो, और ये चाहते है रेक्टिफिकेशन, इसलिए पैसिव वॉइस से बोलता है। समझ गए? ऐश्वर्या, व्हाट यू आर लर्निंग टुडेस क्लास, एनी कमेंट्स और क्वेश्चन? बोलो बेटा। प्रभुजी बोलो, व्हाट इज योर कमेंट्स टू योर, व्हाट यू आर लर्निंग टुडे? मैंने डर का मीनिंग और किसी के मुंह पे डायरेक्ट नहीं बोलना कि उनके बारे में कुछ गलत। हाँ अच्छा, ये तो आप समझ गए कि बोलने से क्या प्रॉब्लम है, आप क्या समझे? यू टेल योर लैंग्वेज, मतलब आपके भाव से बोलो, किसी को डायरेक्ट बोलने से क्या प्रॉब्लम हो सकते है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलो। वेरी गुड, एक तो रिलेशन बिगड़ जाएगा, दूसरा वो उनमें आपसे हमेशा हेट रहेगी। वेरी गुड, गुड आंसर। उसके वो आपके बारे में हर समय हेट, घृणा जन्म लेगा उसके अंदर। और नहीं पता, ये देखो सोचना चाहिए, इफ यू कैनॉट टू थिंक देन यू कैनॉट टू ब्लूमिंग। इसीलिए आजकल का जो एजुकेशन होता है ना, उसको कभी सोचने का मौका नहीं देता है, सब चीज विजुअलाइज दिखा देता है। इसीलिए आजकल बच्चा सब डैम्पेन होता है, वो सोचने का कुछ नहीं होता है। इसीलिए सोचने से क्या होता है, योर इवॉल्विंग योर इंटेलिजेंस। ये गायत्री, यू टेल मी, किसी के बारे में किसी को दुखी कैसे सीधा सीधा बोल दोगे तो उसके साथ आपका क्या हो सकते हैं, बताओ? क्यों नहीं डायरेक्ट बोलना चाहिए, आपके बारे आपके दिल से बोलो, हमारा बात सुन के मत बताओ, आप जो समझे वो ही बताओ मेरे को। They won't like you. Very good. और क्या हो सकते हैं? बताओ और क्या हो सकते हैं, बताओ। क्या हो सकते हैं, किसी के बारे में आप सीधा सीधा बता दोगे उसको कंप्लेंट, क्या हो सकते हैं, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? You think about it, I will come back to you again. Get back to you again. Yay. Aryaman? Any question or comments or what is you are learning from just today's class? वही जो डर का मीनिंग था। आप तो डर का मीनिंग उसके समझ गए, आपके इससे आप क्या शिक्षा मिला आप ये बताओ। किसी के मुंह पे नहीं बोलना जो उनके बारे में बुरा है, उससे उनको बुरा लगता है, बट इनडायरेक्टली बोलोगे तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा, फिर आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और फियर से आप क्या शिक्षा मिला? फियर से एक आदमी हमेशा उसका माइंड एजिटेटेड रहेगा, फिर उससे उसको कभी पीस नहीं मिलेगा। Yes. फिर उसकी भक्ति स्ट्रॉन्ग नहीं होगी।
वो अपनी फियर को हटाने के लिए इंटॉक्सिकेशन यूज करेगा. यस. सो यू आर ए एडल्ट बॉय नाउ यू कैन सी आपके जेनरेशन में जितनी लड़का है व्हाई दे आर बिकम एडिक्टेड. द रूट कॉज इज द फियर. वो क्यों इंटॉक्सिकेशन. आप तो बहुत बढ़िया भक्त लड़का है बट आपका जो फ्रेंड सर्कल सब दारू पीता है सब इंटॉक्सिकेशन सब है. क्यों उसको क्यों लेता है बोलो तो. उसका डर क्या है. मेरा गर्लफ्रेंड दूसरी के हाथ लेके पकड़ के नहीं चल रहा है इसका उसको डर. इंडिया में क्या डर होता है जानते तो. ये तुम्हारा कंट्री ऑस्ट्रेलिया में ये होगा मेरा गर्लफ्रेंड दूसरी के पास चले गए कि ना. अरे इंडिया में क्या होता है. यदि आप इंडिया रहते थे मेरे मम्मी पापा जानकारी होगा कि ना मैं कोई लड़की के साथ यूनिवर्सिटी में कॉलेज में घूम रहे. ये डर होता है. इस डर से मुक्त होने के लिए इंटॉक्सिकेटेड हो जाते. बट ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसे सोचते नहीं. वो मम्मी पापा को डरते नहीं. वो सोचे आई एम नाउ 15 ईयर्स ओल्ड आई एम नॉट अंडर माई पेरेंट्स अभी मैं पूरा एडल्ट. उसका डर है मेरा गर्लफ्रेंड दूसरी के पास चले गए कि वो दूसरा को पकड़ लिए कि. इसके डर से मुक्त होने के लिए वो एडिक्टेड हो जाता है. एडिक्टेड होता है. और एक फियर है आजकल जमाने में मतलब द 2021 एरर्स. व्हाट इज. अरे सब लोग इंटॉक्सिकेटेड होता है सब लोग मतलब कहते हैं राहुल का डे रहा है सब लोग सिगरेट पीता है सब लोग बियर का बॉटल पीता है. यदि ना मैं पिए हो सकते मेरा गर्लफ्रेंड यदि मेरे को इसीलिए छोड़ के चले जाए इसीलिए मेरे को भी बार में जाना चाहिए मेरे को भी पीना चाहिए मेरे को भी सिगरेट लेना चाहिए नहीं तो मेरे को कोई लड़की हमारे क्या नहीं करेगा पसंद नहीं करेगा इसीलिए वो पीते हैं इस डर से. सो मैं तीनों देखा है स्टेप समझ गए. इसीलिए तो इसीलिए ये कि कोई सही रास्ता है. नो कोई सही रास्ता नहीं. इसलिए हम जो वरिष्ठ आदमी से जो सीख लिया उसके रास्ता में और भगवान के रास्ता में यदि हम चले तो हमारे अंदर ये टेंशन कभी नहीं रहेगा. समझ गए. सो हाउ कैन यू ओवरकम द फियर. भक्ति. यस यस टू बी. नो नॉट भक्ति. द फर्स्ट इज द गुड एसोसिएशन. दैट्स व्हाई इसीलिए शास्त्रों में कहता है If you want to be a good devotee, Prabhupada kehta hai, first you become a good gentleman. That's why you have to first read it A, B, C, D, E. What is the meaning of A, B, C, D, E? Write it down. Gayatri, write it down. What do you meaning of A, B, C, D, E? Aray, Prabhu, main toh par chuka. A matlab apple, B matlab ball, C matlab cat, E matlab eat, D matlab ki, dance. It's my life. Lulu. This is Prabhu. What are you teaching me the new? I'm already completed. Now I'm standard 4. Are you standard 4? Yes. You are standard 4 or 5? I'm 5. Oh, you are 5. I'm sorry. You are in little bit adult. I'm sorry. Pardon me. You are not 4. You are the 5. Anna. हमारा हिमा भी सुन रहा है. अरे प्रभु हम भी जानकारी है. ए बी ए मतलब एप्पल बी मतलब बॉल और सी मतलब स्क्रीमिंग कैट्स. इसलिए प्रभुपाद ने बोला इफ यू और शास्त्र में भी बोला इफ यू वांट टू बी ए डिवोटी फर्स्ट यू वांट टू बी ए गुड डिवोटी गुड जेंटलमैन. तो जेंटलमैन होने के लिए आपको ए बी सी डी ई कंप्लीट करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी सी डी. ए स्टैंड फॉर एसोसिएशन. A stand for association. So you have to be a good association. Then you become a good devotee or a good gentleman ho sakte. Isliye likhiye. Abar association ke saath ye likhna. Good association. Satsang. Satsang. B stand means read the Srila Prabhupada books. B stand means the books. B stand means books. Bracket, write it. Srila Prabhupada books. If you read it, mundane books, like a Dale Carnegie, if you read it, that is also good book, modern days. Anna, if you read it, some pastimes of the Britney Spears, there is also some
गुड मॉरलिटी बट दैट कैन नॉट टू मेक यू द गुड पर्सन. इसीलिए बुक्स मतलब नॉट डेल कैनेगी नॉट ब्रिटनी स्पीयर्स. बुक्स मतलब श्रील प्रभुपाद बुक्स. अंडरस्टैंड गायत्री? सो बी एस टेन मीन्स व्हाट? बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद. यस. सो इफ यू वांट टू बी जेंटलमैन क्या पढ़ना चाहिए? बुक्स मतलब श्रील प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना चाहिए. बंद नहीं करना माता जी, खुला रहिए, कोई ऐसे बात नहीं करेगा. मैं समझ गए. सी एस टेन मीन्स चैंटिंग. सी एस टेन मीन्स चैंटिंग. ब्रैकेट में लिखो हरे कृष्ण महामंत्र. नॉट चैंटिंग द सॉन्ग ऑफ द बीटल सॉन्ग और द कोई हिंदी सॉन्ग दिस एंड दैट टॉम एंड जेरी. नॉट दिस सॉन्ग. नॉट टॉम एंड जेरी चैंटिंग. चैंटिंग द हरे कृष्ण. ओके. और नॉट योर कंट्रीज सो मेनी साई बाबा दिस एंड दैट. नॉट दैट सॉन्ग. ओके. चैंटिंग मीन्स हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओके. नॉट साई बाबा, नॉट साई बाबा, नॉट माँ दुर्गा, नॉट माँ, नो नॉट दिस ओम वैष्णव देवी, ओम वैष्णवी देवी, ओम वैष्णव, नो हरे कृष्ण, बिकॉज दिस इज द बोनाफाइड बाई द स्क्रिप्चर्स. डी एस टेन मीन्स डी फॉर डाइट. No, D for diet. Diet, the bracket, write it, Krishna Prasad. So diet means not vegan. Diet means not vegan. Diet means Krishna Prasad, not vegan. You can understand diet means vegetarian. So vegetarian to askal Western country mein vegan bhi hai, not vegan. Because vegan people don't... like respect to the cows, they not to drink milk, cheese, paneer. But do you want paneer, na? Otherwise, how can we eat the pizza? How can we eat the sandwich, grill sandwich, without paneer, without cheese? How can we make it grill sandwich? That's why we have to, diet means the Krishna Prasad. If you take the flesh, aap jodi jada flesh khaoge, तो आपका चेतना कैसा होगा? पशु के तरह होगा, एनिमल के तरह हो. इसीलिए हम लोग का डाइट क्या होगा? हम यदि कृष्ण प्रसाद में. सो डाइट मतलब कृष्ण बल. ई मतलब गायत्री बोलो. ई मतलब ई स्टैंड फॉर यू डोंट नो. ऐश्वर्या E stand for? Okay. ये बताओ, ये जयराधा? Education? No. E stand for? No, for. Oh, no, Russian English. I don't understand Russian English. हेमा, नो रशियन इंग्लिश, प्योर इंडियन इंग्लिश बोलना पड़ेगा. एवरी डे प्रभु. नो, नॉट एवरी डे. ये हम देखा, ये आ गए सुदेशना. सुदेशना माता जी, ई स्टैंड मीन्स बताओ. डोंट नो. यू डोंट नो? पता नहीं. पता नहीं. ई स्टैंड मीन्स द एटिकेट. एटिकेट लिख के अंदर में ब्रैकेट में लिखो वैष्णव एटिकेट, नॉट द मॉडर्न एटिकेट. मॉडर्न एटिकेट की हाय डार्लिंग, हाय बेबी, दिस इज इफ आई नॉट टू पुट इट इन वैष्णव एटिकेट. इफ यू सी मी एंड सेड हाय प्रभु हरि बोल, this is not Vaishnava etiquette. Hare Krishna Prabhu ji, hana. So we have to Vaishnava etiquette. When you are going to marriage, you tell to your husband hi baby, then your baby and your husband both are together, then your baby look at you, then mother telling baby to whom, my father or me? Kyunki father bhi bol rahe okay darling, so baby was thinking
oh my God, my father is a baby, then what I am? So what I am? So that, so baby will think about what about? हो सकते गायत्री तो गायत्री का मामी बोल रहा है उसका गायत्री उसको पापा के साथ आए उसका मामी बता दिया हाय जाली हाय बेबी ये गायत्री बोले हाय मामी उसको देखो उसको पापा भी हाय बोल रहे हैं वो सोचे माय गॉड मेरे पापा और बेबी कहाँ से आए ये कौन सी ये तो ऑक्सफर्ड में नहीं है ये लग रहा है कोई दूसरी कोई चाइना से कोई आ गए कि ना इसीलिए वैष्णव बेटी के है ना इसमें मतलब सबको हाय बेबी नहीं बोलना समझ गए हमारे गीदे से एक दो लड़की आए थे उसको मामी के साथ घूमने के लिए तो उसका जो छोटा बेटी है उसका उम्र है 30 साल बड़ा बेटी का उम्र 35 साल तो हम तो ऐसे फॉरेनर के साथ मैं उतना बातचीत नहीं करते तो एक तरीके से थोड़ा सा अच्छा रिलेशन हो गया तो मैं उनको पूछा माता जी आपका छोटा बेटी को शादी बड़ा के भी शादी नहीं हुआ तो मैं पूछा इनका शादी नहीं अरे प्रभु क्या बोल रहे ये मेरे बेबी है मैं बोला ठाकुर जी अच्छा किया जे आप ये बंगाल में नहीं बोला ये 30 साल में यदि बेबी हो जाता है हमारा बंगाल में 30 साल में दो दो बच्चा हो जाते थे कोई लड़की का आप इसको बेबी बोल रहे अभी भी इसको बोल रहे बेबी है ये तो हमारा बंगाल में 30 साल में एक लड़की का दो दो बच्चा उसके गोद में घूमते रहे अरे इसको 30 साल में आप बोल रहे हैं हमारा भारत में इंडिया में 30 साल में दो दो बच्चा का माँ हो जाती इसको अभी भी बोल रहे हैं बेबी है ठाकुर जी करे ये ऐसी बेबी रहे इससे नहीं पा रहे इसका बाल बच्चा कब होगा पता नहीं 50 साल में होगा कि ना इसीलिए ई स्टैंड मीन्स द एटिकेट द वैष्णव एटिकेट समझ गए किसी को देखने के साथ हाथ जोड़ करके बोलना चाहिए कि हरे कृष्ण प्रभु अरे कृष्ण माता जी ये बोलना चाहिए नहीं तो हम आजकल का एटिकेट क्या है अरे प्रभु ये तो भी एटिकेट हमारा मम्मी तो सिखाए इधर एटिकेट कोई आए तो उसको बोलना हाय हाय आंटी हाय अंकल हाय लीलाश्री माँ हाय लीलाश्री आंटी ये सोचेगा ये हाय हाय क्यों कर रहे हमारा भंगा इंडिया में जानते हो क्यों कौन सी समय कोई हाय हाय करते कोई लोग मर जाते किसी का पैसा खो गए कोई किसी का गर्लफ्रेंड खो गए किसी का स्वामी खो गए उस समय हाय हाय करते रहे समझ गए हम एक रामदेव बाबा का एक बार ये सुना उसका एक ऑडियो सुना उसमें बोला मैं अमेरिका में गए मेरे को किसी को बोल रहे हाय बाबा तीनों ने सोचा इसको हाय हाय कर रहे लग रहा है इसका कोई योगा सीखना पड़ेगा क्योंकि ये हाय हाय कर रहे लग रहे इसको कुछ चलेगा इसके जीवन से तो बोला बेटा क्या हो गए बोले कुछ नहीं हो गए आपको तो मैं हाय बोला बोले वो मैं तो समझ नहीं मेरे इंडिया में कोई हाय बोले तो मैं सोचा इसका कुछ बीमारी है इसीलिए वो हाय बोला इसका कुछ इंटॉक्सिकेशन दे मतलब कोई योगा सिखाना पड़ेगा इसीलिए हाय इज नॉट ए वैष्णव एटिकेट वर्ड समझ गए बेटा हम लोग को हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी ये बोलना चाहिए वैष्णव एटिकेट भद्रता रखना चाहिए कोई सीनियर आए कोई कुर्सी नहीं है उस समय जूनियर को क्या होना चाहिए खड़ा होके सीनियर को बैठने के देना चाहिए समझ गए कभी सीनियर के सामने ज्यादा शाउट नहीं करना ये वैष्णव एटिकेट कभी मम्मी पापा के सामने मम्मी पापा कुछ बोले शाउट नहीं करना चिल्लाना नहीं मम्मी पापा बोले तो उसको ध्यान से सुनना समझ हो सकता है आपका मन में नहीं लग रहा वो बात आप ढंग से बोलो मम्मी तुम जो बोला हमारा ये अच्छा नहीं लग रहा है तुम ठीक से बोलो बड़े से तुम्हारा बात नहीं मानते हूं कौन है तुम ये नहीं ऐसे शब्द दिस इज नॉट वैष्णव एटिकेट समझ गए आप कभी सुना प्रहलाद का पिताजी इतनी प्रहलाद को तंग किया प्रहलाद कभी शाउट किया कोई भागवत में सुना जब प्रहलाद कभी उसके पिता के साथ शाउट किया हाँ सुना ये गायत्री प्रहलाद उसके पिता के साथ कभी शाउट किया नहीं ऐश्वर्या कभी शाउट किया नहीं बट देखो उसको इतना तान किया तब भी वो बहुत रिस्पेक्ट किया क्यों वो भक्त हैं इसीलिए हमको जीवन में शिक्षा लेना चाहिए वैष्णव एटिकेट मतलब हर समय वैष्णव खाने से भी वैष्णव एटिकेट जो कुछ इधर उधर मिलता है वो नहीं खाना आपको ध्यान देना चाहिए हम भक्त है हम इधर उधर का चीज खाना नहीं हम लोग को जो चीज ठाकुर जी खाते
वो प्रसाद लेना चाहिए, बाहर का चीज नहीं खाना चाहिए, समझ गए? इसको कहते हैं, सो इफ यू वॉन्ट टू बी ए गुड डिवोटी फर्स्ट यू हैव टू बी ए गुड जेंटलमैन। तो गुड जेंटलमैन होने के लिए क्या चाहिए? ए बी सी डी। तो ए स्टैंड फॉर एसोसिएशन, डी बी स्टैंड फॉर बुक्स, सिलो प्रभुपद बुक्स, सी स्टैंड फॉर टू चैंटिंग द हरे कृष्ण, डी स्टैंड फॉर डाइट, डाइट फॉर कृष्ण प्रसाद, ई स्टैंड फॉर एटिकेट, एटिकेट मतलब वैष्णव एटिकेट। ये मेरा बात है, ये जो पांच चीज मैं बताया इसके अंदर सबसे बड़ा चीज कौन सा है, इसमें सबसे मेन चीज कौन सा है? बोलो ऐश्वर्या, बोलो इसमें सबसे मूल इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? चैंटिंग गायत्री। डाइट डाइट नो ये जयराधा एसोसिएशन एसोसिएशन बिकॉज इफ यू आर इन गुड एसोसिएशन तो आप गुड बुक्स पढ़ोगे, गुड खाना खाओगे, गुड एटिकेट होगा, गुड चैंटिंग करोगे। एसोसिएशन ठीक नहीं तो इसलिए हिंदी में कहावत है, जैसा संग ऐसा ढंग, जैसा संगत ऐसा पंगत। जैसे संग करोगे ऐसा ही तुम्हारा दिमाग, ऐसा ही तुम्हारा जीवन शैली होगा। ये हम लोग आज सीख लिया, ठीक है? सो आर यू हैप्पी इन दिस क्लास? तो ठीक है, आज हम लोग इतना तक ही रखें। तो आप ये जीवन में पालन करना और जीवन में होता है। हम लोग ये सुने, ये क्या बोलते हैं, सुदेशना माता जी बहुत लेट में आए, तब भी उनको कैसा लगा? एनी कॉमेंट्स और क्वेश्चन? मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये ABCDE का जो आपने एक्सप्लेन किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। यस वेरी गुड। इसके पहले हम लोग फियर का भी एक्सप्लेनेशन किया, सो आप यूट्यूब से सुन लेना, उसमें आप पूरा दोबारा उसको सुन लेना, नहीं तो आप हमारे फेसबुक का ये कर लेना, फॉलोअर्स हो जाना। बांग्ला में आप लिखना सुंदर नित्यानंद दास वृंदावन, तो उस मेरा पेज आ जाएगा, उसको तो ये क्लास उधर रहता है, तो उधर बांग्ला बंगाल में बहुत लेक्चर होता है, तो आप उसको सुन भी सकते हैं। अच्छा। ये मेरे उस पेज से ये हुआ, लाइव हुआ। सो ठीक है, सो एवरीबॉडी हैप्पी? यस। सो सी यू द नेक्स्ट वीक। हम लोग दोबारा आवर माता जी, नीतू माता जी को कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा प्रभु, मैं पूरे हफ्ते वेट करती हूँ प्रभु आज की। अच्छा मैं एक चीज चाहती हूँ, देखा मैं नीतू माता जी को दिया पर कंप्लीट नहीं किया। हम चाहते हो जो आप लोग एक एक गीता का श्लोक याद करो, इससे क्या होगा, सिर्फ मंकी, हमारे इधर बहुत मंकी है। सो हम लोग चाहते हैं जो आप लोग एक एक श्लोक याद करो, ठीक है? सुदेशना माता जी, इट विल बी नाइस। यस नाइस। सो आई वांट दैट यू आर थ्री ऑफ देम, जो आप नीतू माता जी और माला माता जी, हम रोज दिन शाम को 5 बजे हम श्लोक देता है, सो आप लोग को वो श्लोक रोज दिन एक एक गीता का श्लोक याद करके रोज दिन 2 मिनट के लिए आ जाना हमारे क्लास में, आके उसको क्या करना, हमारे एक बार उच्चारण सुनाना और उसका ये अनुवाद के साथ, उसके बाद चले जाना। इससे भी भेज सकती हूँ ना, अगर मुझे मतलब प्रोनाउंसिएशन ठीक हो रहा है उसका, उसका उसका मैं आपका ग्रुप में मैं दे दूंगा, उसका एक्सेंट भी दे दूंगा कैसे उच्चारण करना, ठीक है? सो एवरीडे यू हैव टू कम 5 o'clock सेम टाइम, आके 2-4 मिनट में उसको ये देकर आप चले जा सकते हैं, ऐसे घंटा भर आपको बैठना नहीं। सो इससे क्या होगा, देखोगे आपका गीता का सब मेन मेन श्लोक आपके याद हो गए, ठीक है? बहुत ही अच्छा है। हाँ ठीक है माला माता जी, इट विल बी नाइस। यस प्रभु जी। तो मैं आपका ग्रुप में वो श्लोक काल का कौन है वो दे दूंगा मैं आज काल सुबह, और उसका वॉइस रिकॉर्ड भी मैं दे दूंगा कैसे उसको उच्चारण, ठीक है? आप तीनों आके देना, बट हमारे जो
तीनों लिटिल दो लिटिल गोपी जो अयोध्या आते है रोज दिन अरे आरिया मैन इनके लिए वीकेंड में मतलब हर फ्राइडे में एक एक श्लोक देना ओके सो आपके लिए जो भगवत गीता का जो फर्स्ट श्लोक है इसको याद करना ओके विद द ट्रांसलेशन इट विल बी यू कैन स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी एज यू लाइक इट सो नेक्स्ट वीक में हम भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक आपसे मेमोराइजिंग ये होगा टेस्ट होगा ओके सो थ्री ऑफ देम टू रीड द दिस श्लोक एंड टू मेमोराइज ओके गायत्री समझ गए विद द ट्रांसलेशन ठीक है वेरी गुड थैंक यू सो मच और ये माला माते जी नीतू माते जी ये सेम आईडी में आप 5 बजे आ जाना इंडियन ओके ये सेम आईडी में हम लोग गए सो बहुत सारी माते जी प्रभु जी जो मैं बंगाली क्लास कर रहे थे वो लोग सब गीता भागवत का श्लोक याद है हमारा लीलाश्वरी माता जी का बहुत श्लोक याद हो गया अभी बहुत श्लोक अभी हम लोग षष्ठ अध्याय चल रहा है गीता का 6th chapter कितना सारी हो गए समझ गए ठीक है थैंक यू सो मच टू कम टू दिस क्लास सब लोगों को हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं आप लोग धैर्य धर के ये सुना अच्छा लगा तो आप लोग जो लाइव में सुना आपको यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर कर देना दूसरी के लिए ठीक है तो ये इसको अच्छा होगा अभी हमारा बंगाली क्लास शुरू होगा तो सब लोगों को हरे कृष्णा सब लोग चैंट हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय श्रीमद् भगवत गीता की जय जय श्रोता भक्त वृंद की जय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण चलो प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की थैंक यू सो मच गायत्री आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर वेरी नाइसली टू And you will make a note, okay? Don't forget, don't put it here and there. This kind of things, you have to write it and make a note. Okay, Aishwarya? Beta, I'm very, very happy to you that you are doing. Okay, Hema? Hema, you are eating or you are listening? Huh? Hema, bolo, Aishwarya Didi ko bolo, kaisa hai Aishwarya Didi? अच्छा अश्वरा दीदी गायत्री दीदी गायत्री दीदी को बोलो कैसे हैं हेमा तुम्हें की कोच्चो बोलो हेमा बोलो की कोच्चो तुम्हें बोलो हेमा बोलो आमी एकोन खबर खाच्छी तुम्हें खाबो हेमा की खाबो कस्टर्ड हाँ कस्टर्ड ओ कस्टर्ड आधा इंग्लिश आधा बंगाली इज वेरी गुड इज अ बंग्लिश वेरी गुड ओ तो बांग्ला शिखे गेछे गायत्री दीदी को जिज्ञेस करो गायत्री दीदी को इंग्लिश में जो भी बोलो आई एम गुड आई एम गुड बोलो दिया तुम बोलो आई एम ऑल्सो फाइन आई एम फाइन वेरी गुड वेरी गुड तुम बोलो आई एम ईटिंग मिल्क राइस इज अ वेरी नाइस इंग्लिश ओके जर्मन इंग्लिश तुमको ये समझना पड़ेगा ये क्या बोला ये जर्मन इंग्लिश तुम बोलो आई एम ईटिंग मिल्क राइस बोलो बोलो ठीक है हरे कृष्ण हरी बोल जय श्री प्रभुपाद थैंक यू सो मच थैंक्स टू यू एज वेल प्रभु